तो गाइज अभी समृद्धि महामार्ग का ये जो हम लोकेशन है, ये लोकेशन टी पॉइंट से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे कुछ ये जो आप टर्निंग देख रहे हो फ्लाईओवर के, यहाँ पे छोटा इंटरचेंज है जो बुट्टीपुरी के लिए रोड जाता है, और इधर एक रोड कहीं गांव है पास में, वो गांव तरफ जाता है। और यहाँ से इसका मेन रोड चालू होता है समृद्धि महामार्ग का, जहाँ पे दोनों साइड में रोड के लोहे की ग्रिल लगाई जा रही है कॉन्क्रीट के बाद में, और फिर उसके बाद में ये जो बड़ी वॉल देख रहे हो दोनों साइड में सीमेंट की वॉल है, ये लगाई जा रही है। और यहाँ से जो है मेन रोड चालू होता है, और आगे में टोल बूथ भी है, तो वहाँ तक के हम चलेंगे और पूरा व्यू देखेंगे कि अब समृद्धि महामार्ग कैसा दिखाई देता है। और यहाँ से कंक्रीट की लेन भी बन चुकी है, और यहाँ से लग रहा है कि प्रॉपर थोड़ा कंक्रीट का यानी सीमेंट रोड हो चुका है, और एक समृद्धि महामार्ग यहाँ से स्टार्ट ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके पहले के जो पार्ट्स है वो काफ़ी बीच बीच में काम चालू है, तो उतना जा नहीं सकते हैं रोड के ऊपर में, और जो सर्विस रोड होता है उससे आना जाना होता है। और यहाँ पे मार्किंग पट्टे लग चुके हैं, यहाँ से प्रॉपर 3 लेन में गाड़ी चल सकती है, और जो चौथा लेन है यहाँ पे वो कार चलाने लायक नहीं है, यानी बहुत छोटा है, यानी 3 लेन में यहाँ से गाड़ी सीधी चल सकती है। तो अभी सीधा चलते हैं और आगे देखते हैं पूरा व्यू। तो वीडियो के लास्ट तक ये बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो गाइज अभी हम खड़े हैं, ये लोकेशन नागपुर के समृद्धि टी पॉइंट से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास में आएगा, और यहाँ पे पहला टोल आपको दिखाई देगा कि इस तरीके से डिज़ाइन है। ये एक यूनिक डिज़ाइन है, अभी तक ये ऐसे डिज़ाइन का टोल नाका कहीं लगा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा समृद्धि महामार्ग का रोड भी कहीं तो बना नहीं है, कहीं होगा अलग स्टेट में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो पहली डिज़ाइन देखने को मिल रही है कुछ इस तरीके से, जो एक कमल के फूल की तरह थोड़ा सा डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे जो पहाड़ था इस लाइन से, पूरा पहाड़ था, क्योंकि आप इधर में देख सकते हो इधर पूरा पहाड़ पहाड़ है, वो पहाड़ की पूरी लाइन थी, तो वो पूरा पहाड़ जो है कट चुका है, और यहाँ पे मैदान बनाया जा रहा है। हो सकता है फूड प्लाजा वगैरह भी यहाँ पे बनाया जा सकता हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लोग इतने दूर से सफ़र में आएंगे तो यहाँ पे रुकने के लिए तो कुछ व्यवस्था रहेंगी टोल प्लाजा के पास में, कि कोई कुछ चीज़ें अगर ख़रीदना चाहे तो खरीद सके, पेट्रोल पंप वगैरह भी हो गया, क्योंकि अब यहाँ से टोल लग रहा है तो अब यहाँ से मुंबई तक का जो सफ़र है वो बहुत लंबा सफ़र है, तो उसके लिए फ्यूल भी लगेगा, तो फ्यूल के लिए पेट्रोल पंप तो यहाँ पे रहेगा ही, और फिर खाने पीने की चीज़ें रहेंगी, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ से और आगे चलते हैं और देखते हैं, हमें तो पूरी यात्रा करना है, रोड शुरू होने से पहले हमारा तो टारगेट है कि मुंबई तक का सफ़र कर ले हम लोग। सिर्फ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करोगे तो हम वहाँ तक के भी ज़रूर जाएंगे। तो अभी इसके आगे और चलते हैं और देखते हैं। Oh, 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 oh
गाइस, हमने इसके पहले का जो पहाड़ देखा वहाँ पे मुरुम था, और यहाँ का जो पहाड़ है ये काले पत्थर की चट्टान है जो काफ़ी पूरी, यानी टोटल चट्टान ही है, एक ही चट्टान है ऐसा पूरा दिया हुआ है। आप देख सकते हो इसको तोड़ तोड़ कर काफ़ी क्रश किया गया, और इसका फिर जो भरण है वो फिर से रोड के लिए यूज़ किया गया, क्योंकि उधर में देख रहे हो यहाँ से ट्रक जो है ऊपर चढ़ रहे हैं, ये यहाँ से डाइवर्शन है ऊपर में चढ़ रहे हैं, और ऊपर का पहाड़ तोड़कर उसका जो भरण है वो फिर से आगे में ले जा रहे हैं और उधर में रोड बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और दोनों तरफ में जो है बाउंड्री वॉल बन चुकी है, ऊपर में भी बाउंड्री वॉल है, उधर भी बाउंड्री वॉल है, ये पहाड़ के बीच में से रोड है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो लाइक शेयर, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।